आदरणीय प्रधानमंत्री, सभी को न्याय देने वाले प्रधानमंत्री, उनका संकल्प विकास के साथ में, अभिवृद्धि के साथ में हमारी पार्टी बनाना चाहिए, हमारे कार्यकर्ता बनाना चाहिए। हमारे लोगों ने मुख्यमंत्री जी का संकल्प आज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जेपी नड्डा जी के हाथ से संपन्न होने जा रहा है। हमारे राष्ट्रीय नेताओं का, राज्य नेताओं का संकल्प है कर्नाटक राज्य में जितने भी जिले हैं सभी जिले में हमारा पार्टी का कार्यालय हो। उसीलिए आज मैं इतना खुशी हो गया है कि हमारे जिले में बीदर जिला का इतिहास आरा बेड़ा इतिहास है और आज हमारे कार्यकर्ता भारत की मंच पर विराजमान है। सभी के मेहनत से, लगन से पार्टी बनी है। मैंने नेता का नाम लिया, उनकी प्रेरणा, उनका आशीर्वाद हमारे बिदर के माजी शासक गुरु नाना मन्नाले जी, अनेक नेता यहां मंच पर विराजमान है। मैं राज्य की भाषण नहीं करने वाला हूं कि पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी है, ये पार्टी देश को मजबूत करने वाली पार्टी है। इसीलिए मेरा सौभाग्य है इस पार्टी का कार्यकर्ता के नाते मेरी पार्टी ने मुझे सामान्य कार्यकर्ता से लेके तालुका अध्यक्ष, जिला उपाध्यक्ष का पद देते हुए विधायक भी बनाया है, पार्टी ने मंत्री भी बनाया है। ये मेरा सौभाग्य है, मेरा औराती जाला जनता का भरोसा है। इसलिए आज इतना खुशी हो रहा है क्योंकि मुझे बोला गया है, टाइम हो रहा है, मुझे बात करने को आधा घंटा चाहिए। जी और 3 दिन बाकी है, अभी साहब बात करने वाले हैं। मैं इतना ही कहूंगा हमारे कार्यकर्ताओं को, जो आपने प्यार दिया है, संगठन को मजबूत करने के लिए काम किया है, सभी ने डोनेट किया है, हमारा बिदर का कार्यालय सज के रेडी है। सरू सरदार ने कहा वैसा आगे आगे काम आप करना है, अगली जवाबदारी आपकी है और मुझे पूरा भरोसा है, मुझे 100% भरोसा है हमारा कार्यकर्ता बूथ पे डटने के बाद कर्नाटक में और एक बार बीजेपी की सरकार आने वाली है। आने वाली है ना, ऐसा करेंगे ना, काम करेंगे ना, क्या चुप करेंगे?